हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब की कुछ कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी 2021 में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाले हैं, या अगर आप भी चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, तो कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनका पहले से कुछ इंटरेस्ट होगा, जैसे कॉमेडी में हो गया, या फिर किसी टेक के चैनल में हो गया, या हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट व्लॉगिंग में हो गया या प्रैंक चैनल में हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग आप उसमें आगे जा सकते हैं एंड अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं किस कैटेगरी में अपना चैनल स्टार्ट करूँ, या फिर आपको पता नहीं है कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, या फिर जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, जिसमें आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सो यही डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चले कि कौन सी कैटेगरी अभी ट्रेंड में चल रही है, कौन सी कैटेगरी में आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाते हुए वीडियो को लाइक करते रहना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू में क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर किसी फ़ोन की रिव्यू कर रहे हैं। जैसे चैनल है टेक्निकल गुरुजी, वो स्टार्टिंग से उन्होंने स्टार्ट किया अनबॉक्सिंग करना एंड आज उनका बहुत बड़ा चैनल बन चुका है, और वो अनबॉक्सिंग करने के ही इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं कि वो एडसेंस से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, उससे ज़्यादा वो कहीं स्पॉन्सरशिप के या अनबॉक्सिंग करने के ही पैसे कमाते। तो आप इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है, मे बी इन फ्यूचर मैं इसमें स्टार्ट करूँ। एंड दूसरा, आप अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के जो चैनल होता है उसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अमेजन के थ्रू। मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दो अपने एफिलिएट का, एंड वहाँ से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट के थ्रू। अगर आपको पता नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग अमेजन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं एंड आप कहीं पे भी ना जाके आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो आती है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। सॉफ्ट ट्यूटोरियल के अंदर क्या होता है कि आप मान लीजिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा हो गया, एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, या फिर मान लीजिए कैनवा हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो मार्केट में न्यू आते हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से लोगों को डिटेल में समझा के कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है, या इससे आप इससे ज़्यादा अच्छे से ऐसे चीज़ें एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, जैसे ये चैनल हो गया, इसमें आप बहुत इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है चैनल की, ये चलते हैं चैनल बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है व्लॉगिंग, जो मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। व्लॉगिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल एक आपको कैमरा लेना होता है, आपको दिखाना होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, या ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, या फिर फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, आप फैशन ब्लॉगर बन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। ब्लॉगर आप किसी भी तरह के बन सकते हैं। व्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रही है इस टाइम पे, एंड एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट करके, जो इंडिया का सबसे बेस्ट चैनल है या सबसे टॉप चैनल हम कह सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर। वो एक एक वीडियो पे इनके मिलियंस में व्यू आते हैं। लोग वो वहाँ पे कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं ब्लॉगिंग आज के टाइम में, क्योंकि होता है ना कि लोगों को अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना या दूसरों की लाइफ देखना पसंद होता है, ये रियलिटी है एक ह्यूमन बींग की। तो वो चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लॉगिंग में, आप कुछ भी कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग हो गया, फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गया, बहुत सारी हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है फिटनेस की, यह भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि फिटनेस की कैटेगरी जो होती है बहुत ज़्यादा जल्दी बूस्टअप करती है, ये यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगी एंड इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा जल्दी बूस्टअप करती है, क्योंकि लोग आज के टाइम में अगर किसी चीज़ की कमी है, लोगों में फिटनेस की कमी है इस वर्ल्ड के अंदर। अगर एक इंसान हर चीज़ कर सकता है लेकिन वो कभी भी फिट नहीं रह सकता, इतना जल्दी फिट नहीं रह पाता, कभी ना कभी ऐसी डाइट फॉलो करता है जिससे उसका वेट गेन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, तो वो क्या होता है कि फिट नहीं रह पाता, तो जिससे इस कैटेगरी की बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है। एंड दूसरा, इसमें जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो ज़्यादा पैसे कमा के देती है, पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में आप अगर आपके अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, 10,000 5,000 भी व्यू आ रहे हैं, तो आप एक अच्छी स्पॉन्सरशिप इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो फिटनेस की जो कैटेगरी होती है ये आपका एक प्रॉपर नीश होता है, इसमें आप प्रॉपर फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, तो एक आपकी पर्सनल प्रॉपर ब्रांडिंग बनी हुई है फिटनेस के ऊपर, तो आप इसमें अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप का। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग की। मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है,
क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग डिजिटली चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, डिजिटली चीज़ों को समझ रहे हैं कि होते क्या है। एंड डिजिटल मार्केटिंग की जो कैटेगरी है उसमें रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ की जो ऐड होती हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं न्यू न्यू, या फिर मान लो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो वो आपके ही चैनल के ऊपर एड्स लगाएंगे एंड आपके चैनल पे ही ऐड दिखाएंगे, इससे आपका रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है अगर आपके स्पेशल आपके चैनल पे कोई ऐड लगाता है तो। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है कॉमेडी की। कॉमेडी की कैटेगरी में आप एक अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपको टीम चाहिए होती है मेनली। अगर आपके पास टीम है तो ही आप एक अच्छा कॉमेडी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं जो सिंगल सिंगल भी इंडिविजुअल भी अपना अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे बीबी की वाइन हो गया, इस बंदे ने सिंगल अपनी ग्रोथ की कॉमेडी के चैनल में, बहुत ही अच्छा चैनल क्रिएट किया एंड एक अच्छा कंटेंट डाला जिसकी वजह से इनकी अच्छी ग्रोथ हुई। लेकिन इंडिविजुअली आप कॉमेडी चैनल में बहुत कम लोग होते हैं कि जो ग्रोथ कर पाते हैं, अगर इसमें आपको टीम चाहिए होती है। टीम में क्या होता है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में टीम को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपकी टीम में से कोई बंदा काम ना करे तो आपकी टीम वहाँ पर बिगड़ जाएगी और आपका चैनल भी वहाँ पे डाउन जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है अगर, लेकिन आपके पास अच्छी टीम है तो आप कॉमेडी चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है रोस्टिंग की। रोस्टिंग के आपके बारे में आपने सुना ही होगा, कैरी मिनाटी के बारे में, जो 2020 के सबसे ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर रहे एंड सबसे ज़्यादा बड़े यूट्यूबर भी रहे। बहुत सारी ब्रांड्स से उनको स्पॉन्सरशिप दी, बहुत सारी ब्रांड के वो एम्बेसडर भी बने सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो रोस्ट करते थे। एंड रोस्ट करना एक गलत चीज़ नहीं है, बहुत ही सही चीज़ है अगर आपको अच्छे से करनी आती है, अगर आपके वॉइस में आपकी वर्डिंग्स में वो चीज़ है जो कि आप रोस्ट करके किसी की बेइज्जती करके भी उसको बेइज्जती फील ना होने दो तो रोस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ भी है। एंड वहाँ पे आप एक चैनल बना के अपनी अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं, एक बढ़िया ट्रेंड में चलने वाली चीज़ है, लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं एक्चुअली। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है गेमिंग चैनल्स की। गेमिंग चैनल में क्या होता है कि अगर आपको अच्छा गेम खेलना आता है तभी आप गेमिंग चैनल स्टार्ट करें। कई लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि यार गेमिंग चैनल में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छे लोग पैसा भी कमा रहे हैं एंड वहाँ पे व्यू भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लोगों को अगर गेम खेलना नहीं आता अच्छे से, जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मुझे गेम खेलना नहीं आता इतना, मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे गेम नहीं खेल सकता, मान लो पबजी हो गया, कोई भी चैनल वाई सिटी हो गया, तो वो हम नहीं खेल पाते। तो अगर आपको अच्छे से गेम खेलना आता है तभी आप गेमिंग का जो चैनल है उसको स्टार्ट करें, अदरवाइज ना करें। हाँ, अगर आप आपके अंदर पोटेंशियल है कि मैं 2-3 घंटे 4-5 घंटे गेम खेल सकता हूँ तो अच्छी अच्छी वीडियो की क्लिप बना के आप गेमिंग चैनल के अंदर भी अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। गेमिंग के अंदर टेक्नो गेमर्स का जो चैनल है उसने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की है एंड ये इंडिया का बेस्ट चैनल भी हम कह सकते हैं टेक्नो गेमर्स। उसके अलावा मोर्टल भी था एंड और भी बहुत सारे चैनल हैं जो गेमर्स के बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए जिन्होंने, तो आप गेमिंग के अंदर भी आगे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि गेम खेल के क्या करें, लेकिन गेम में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। गेम खेल के भी आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पैसा कमा सकते हैं वीडियोज़ देख के अच्छी अच्छी, क्योंकि अभी इस टाइम पे गेम लोगों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है प्रैंक चैनल की। आप प्रैंक चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड वही है कि प्रैंक चैनल में भी आपको एक टीम चाहिए। कभी भी प्रैंक आप रियल में ना करें। अगर आपको पता है कि प्रैंक चैनल आप ऐसे कर रहे हैं कि जो आपको नुकसानदायक हो सकते हैं, अगर मान लो आप किसी के साथ प्रैंक कर रहे हो, मे भी पता नहीं उस इंसान का नेचर कैसा होगा या फिर वो इंसान किस तरह का है, तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, अगर आप प्रैंक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी टीम के साथ स्टार्ट करें, स्क्रिप्टिंग करें, या फिर थोड़ा थोड़ा आप प्रैंक रियल भी कर सकते हैं, जो एक जेन्युइन प्रैंक होता है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रैंक चैनल में भी एक अच्छी ग्रोथ है आज के टाइम में एंड प्रैंक चैनल ने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है। अभी एक ये चैनल है जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, इसने ऐसा कंटेंट बनाया जिससे लोग देखना पसंद भी करते हैं, जो ज़्यादा इतना वल्गर भी नहीं है, एक बहुत ही सही चैनल है। तो यहाँ पे देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड प्रैंक चैनल पे आपको बताऊँ तो प्रैंक चैनल पे अभी 3 लोग अरेस्ट भी हुए थे, उन्होंने 17 चैनल स्टार्ट कर रखे थे, उनकी एक अच्छी टीम थी, अच्छी ग्रोथ कर रहे थे वो। 17 चैनल से उन्होंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ यूट्यूब चैनल से, बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। लेकिन उन्होंने जो गलती की वो क्या थी कि वो जो बहुत ज़्यादा वल्गर, बहुत ज़्यादा अडल्ट चीज़ें बना रहे थे जो हमारे जो किड्स हैं या हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए सही नहीं थी, इसलिए उनको अरेस्ट भी कर लिया। तो अगर आप प्रैंक चैनल स्टार्ट करें तो थोड़ा सा चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, पॉलिसी को पढ़ें कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या है या फिर क्या चीज़ हमारे यूथ के लिए सही है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैंक चैनल स्टार्ट करते हैं। बहुत जनरल प्रैंक भी होते हैं, आप वो चीज़ें करके भी अच्छा चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप गलत चीज़ें करके ही प्रैंक करके आप चैनल को ग्रो करो।
उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी इंटरव्यू की। अगर आपका इंटरेस्ट है लोगों से बात करना, अगर आपका इंटरेस्ट है लोगों से इंटरेक्ट करना, या फिर वहाँ पे आप अपना लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के ले सकते हैं, बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनके ले सकते हैं, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पॉडकास्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड वहाँ से आप चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह पर जा सकते हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इंटरव्यू करने का तो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है लास्ट, वो आती है एजुकेशन की। अगर मान लो आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जैसे मेरे फ्रेंड है दो तीन, उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है कि मुझे पढ़ाना पसंद है, लोगों को एक एजुकेशन देना पसंद है, तो आप एजुकेशन का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी ग्रोथ भी कर लेंगे, अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर रहे हैं, एंड हो सकता है मे बी आपको यूट्यूब पे भी एक अच्छा बूस्टअप मिल जाए, या फिर यूट्यूब पे भी आपको एक अच्छा रिवेन्यू मिल जाए, एंड वहाँ पे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा यूट्यूब के थ्रू आगे लेके जा सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। सो गाइज, ये थी कुछ कैटेगरी जिनके अंदर आप 2021 में अपना चैनल क्रिएट करके अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा, तो आप उसके अंदर अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी लाइफ को भी यूट्यूब के अंदर सेट कर सकते हैं। यूट्यूब को आप फुल टाइम स्टार्टिंग में ना करो, स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम करो, धीरे धीरे जैसे आपका चैनल ग्रो करने लगता है तो आप उसमें फुल टाइम भी कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।